हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी भी सड़कों पर है प्रवासी मजदूर, दिन रात पैदल कर रहे सफर। लॉकडाउन के 50 दिन बीत चुके हैं और प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों पर है। आधी रात में भी वो पैदल सफर कर रहे हैं और वे सिर्फ अपने गांव, अपने घर जाना चाहते हैं। पहले केंद्र सरकार ने 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सड़कों पर अब एक भी दिहाड़ी मजदूर नहीं है, लेकिन इन मजदूरों की ताज़ा तस्वीरें बताती है कि हालात अब भी नियंत्रण में नहीं है। ये मजदूर हाथों में कटोरी, पानी की बोतल, कंधे पर अपने बच्चों को लाद कर अपने परिवार के साथ चुपचाप पैदल चल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अभी भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान की सीमा पर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आ रहे प्रवासी मजदूरों का क्रम अभी टूटा नहीं है। इनकी संख्या पहले जितनी भले ही ना हो, मगर इनका आना अभी भी जारी है। कोई सरकारी मदद ना मिलने से लाचार हुए ये प्रवासी मजदूर घरों की ओर पैदल जाने को मजबूर हैं। इन मजदूरों ने अपना दुख बताया। वो गुजरात के धारीवाड़ा में L&T कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के ऑफिसर ने हमें कहा, तुम लोग काम करोगे तो दो टाइम का खाना मिलेगा, वरना तुम घर जा सकते हो। हमने घर जाने का फैसला लिया। हमको घर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम सभी झारखंड राज्य के हैं, गुजरात से पैदल चलकर अपने राज्य जा रहे हैं। हमारे पास ना ही पैसा है, ना ही खाने का सामान। भूखे पेट और पानी पीकर अपने घर जा रहे हैं। 4 दिन से भूखे पेट पैदल सफर कर रहे मजदूरों पर जागरूक टीवी की नजर पड़ी तो उन मजदूरों को रोक कर उनसे जानकारी ली तो पता चला कि वो 4 दिन से भूखे हैं और पैदल अपने राज्य झारखंड जा रहे हैं। L&T में सर? हाँ सर, वहाँ पे सर हम लोग वहाँ से हम लोग मांग किए सर L&T वाले से कि हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो ये लॉकडाउन से लॉकडाउन जब हुआ सर, तो महीने दिन के बाद वो हम लोग के पास जब आया सर, तो साइन उन करा लिया सर। कंपनी वाले ने, L&T वाले ने साइन कराया, उसके बाद चला गया। फिर काम चालू किया सर। काम चालू करने के बाद हम लोग बोले सर कि हम लोग काम नहीं करेंगे सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि जब काम करोगे तो खाने के लिए मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोलेगा ऐसा है सर, तो हम लोग काम नहीं करेंगे सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि जा भी सकते हो सर। हमने अपना ठेकेदार को बताया सर, तो ठेकेदार भी बोला कि जा सकते हो। तो तुम 4 दिन पहले वहाँ से निकले? जी सर, हम लोग 5 तारीख को निकले हैं सर। तो उस टाइम खाना खाया था? उसके बाद नहीं, उसके पहले सर सुबह में खाए थे सर, लंच में भी खाना नहीं खाए थे हम लोग। और फिर पैदल चलते हो, आज जाके खाना खाए? जी सर, आज हम लोग जाकर खाना खाए। रास्ते में वही सर, जो गाड़ी ट्रक व्रक देते थे सर, बिस्कुट उस्कुट सर, वही खाते चल रहे हैं। कहीं दुकान मिलता तो वही हम लोग को 5-10 रुपए आए मेरे पास, वही खाते चलते सर। बाकी पैसा कोई नहीं? पैसा नहीं है सर हम लोगों के पास, 1 रुपया भी नहीं है पैसा। इस तरह से तुम झारखंड कैसे पहुंचोगे? सर जो भी, जैसे भी जा सकते हैं सर, क्या करेंगे सर। अगर कोई सुविधा मिल जाए तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो पैदल जाते रहेंगे सर। कोई भी सर देगा तो खा लेंगे सर, मांग के भी खा लेंगे सर, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। इनके भोजन के लिए जागरूक टीवी की टीम ने सिरोही समाज सेवी रघुनाथ माली से संपर्क किया और उनको भोजन खिलाया गया। सिरोही से जागरूक टीवी के लिए भवानी सिंह की रिपोर्ट।